हंसते हुए चेहरे और ये बेखौफ निगाहें देखिए। यूं तो ये तीनों जेल जाने वाली पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं और अभी अभी पुलिस ने इन्हें एक हत्या के जुल्म में आरोपी बनाया है, लेकिन इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि इन्हें अपने किए का कोई भी अफसोस है। मेरठ निवासी मुकुल की हापुड़ में हत्या करने के मामले में पुलिस ने इन तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुकुल के भी दोस्त थे, लेकिन धोखे से उसकी हत्या कर दोस्ती की पीठ में चाकू घोंप दिया। पत्रकारों ने जब पूछा तो बड़ी ही बेहयाई से जवाब भी दे दिया कि गाली दे रहा था, मार दिया। जानिए ये पूरी रिपोर्ट। 15 किलोमीटर तक कत्ल के निशान थे, कैसे मंगलवार को सुबह 7 बजे डायल 100 से टेलीफोन आया कि खरखौदा थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे एक बॉडी और एक बाइक पड़ी हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आधार कार्ड के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करके उसके परिवार वालों को बुलाया गया। पोस्टमार्टम में निकल कर आया कि उसका एक्सीडेंट नहीं है बल्कि उसके सर में गोली लगी है और उसका मर्डर हुआ है। इस आधार पर पुलिस टीम उसमें काम कर रही थी। कुछ ब्लड स्टेन थे, खून के छींटे, जिसको जगह जगह देखते हुए पुलिस टीम हापुड़ कोतवाली तक पहुंची और उसमें आगे निकल कर ये तथ्य आया कि ये जो मृतक व्यक्ति है इसको सोमवार के दिन 1 बजे वहाँ पर मौजूद था इसके 5 दोस्तों के साथ। वहाँ आंसू एक है जिसका घर है, उसके घर के भीतर आपसी इनमें लड़ाई हुई कुछ बातों को लेकर, कुछ जातिगत कमेंट भी हुए और अभी जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें प्रेम संबंधों की भी चीज़ सामने आ रही है। उन बातों को लेकर 5 दोस्तों ने इसको पहले सर में गोली मारी और गोली मारने के बाद जब ये नहीं मरा तो इसका गला दबाकर इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद 8 घंटे घर में बाडी रखे रहे और जब रात का अंधेरा हुआ तो इसको बाइक पे बीच में बैठा कर 15 किलोमीटर दूर ले आकर उसे फेंक दिया। इसमें से वर्तमान में उस समय तत्काल इसके अनावरण हेतु 3 पुलिस टीमें गठित की गई थी, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी किठौर, एक स्वाट और एक सर्विलांस की। 5 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे के भीतर 2 बाइक है वो बरामद कर ली गई है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा और डंडा भी बरामद कर लिया गया है। बाकी इनको न्यायालय भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन अभियुक्तों के पुराने आपराधिक इतिहास में सर? हाँ, इसमें से 25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं कुछ पे, एक पे 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और एक और अभियुक्त है जिसपे 4 मुकदमे मारपीट और इस तरह चोरी के मुकदमे पंजीकृत है। सर जो बॉडी है उसके पैर घिसे हुए मिले थे, वो किस तरीके से घिसे और कैसे उनके निशान पूरी सड़क पर पड़ा 15 किलोमीटर का? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 1 बजे मारा गया था और रात 9 बजे उसको लाया गया, तो राइगर मॉर्टिस था, उसकी बॉडी स्टिप कर गई थी। इनका बताना है कि इस वजह से उसके पैर मुड़ नहीं रहे थे तो पूरा पैर वो घिसटते हुए आया और उसने नए जूते खरीदे हुए थे। उस जूते को भी इसमें गुड्डू नामक एक अभियुक्त है, उसने उसके जूते निकाल लिए थे पहनने के लिए, जिससे वो ब्लड के स्टेन जगह जगह है और पैर खिंचता रहा उसका।